लोकसभा चुनाव में आजकल जेल की खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। अब बिहार के पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने जेल भेजने की ऐसी धमकी दी जिस पर उन्हें लेने के देने पड़ रहे हैं। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह। मीसा भारती तो अब अपने बयान से पलट रही है, लेकिन जुबान से तीर निकल गया है तो हमारे इस खास शो में देखिए 4 जून के बाद और कौन कौन जेल जाने वाला है। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, उनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। सुना आपने, लालू यादव की बड़ी बेटी और तेजस्वी यादव की दीदी मीसा भारती कह रही हैं कि चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो PM से लेकर BJP के कई बड़े नेता जेल के अंदर होंगे। मीसा भारती के इस बयान पर BJP बेहद गुस्से में है। BJP के कई बड़े नेताओं ने मीसा भारती, उनके पिता लालू यादव और विपक्ष के बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार की याद दिलाई है और कहा है कि प्रधानमंत्री को तो ये लोग क्या जेल भेजेंगे, 4 जून के बाद खुद जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। मीसा भारती के बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई BJP अध्यक्ष JP नड्डा की तरफ से। JP नड्डा ने कहा कि जो जमानत पर हैं वो PM मोदी को गाली दे रहे हैं। अंडमान में जनसभा को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा कि जो लोग खुद जमानत पर हैं वो PM मोदी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। इनकी निराशा हताशा चरम सीमा पर है। इन्हें डर है कि 4 जून के बाद कहीं इन्हें खुद भी जेल न जाना पड़े। JP नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर और कार्यकाल बेदाग है। वो 23 साल से सर्वोच्च पद पर हैं, 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन पर एक भी दाग नहीं है। JP नड्डा से लेकर पूरी BJP मोदी के बचाव में उतर आई है। BJP नेता कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, दूसरी ये कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने के सपने ना देखे। मीसा भारती को अपनी और अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। वो कह रही है जब हम सत्ता में आएंगे, उनको पहला सवाल ये पूछिए, आपको क्या लगता है 2029 तक तो तय है, 2029 के बाद क्या होगा उसे हमारे देखेंगे। बाकी आपके जो स्कैम्स हैं, क्या थे भाई वो, फॉडर स्कैम था, पता नहीं कौन से, वो सड़कें बनी थी, वो कागज पे ही बन गई, जब देखा वो जमीन पे उतरी नहीं सड़क, हवा में रह गई और वो पेपर पे हो गई और पता नहीं क्या क्या घोटाला हो गया उसके बाद। मीसा भारती चुनावी रैली में प्रधानमंत्री और BJP नेताओं को जेल भेजने की बात तो बोल गई, लेकिन तथ्य इसके विपरीत है। मीसा के पिता लालू प्रसाद यादव सेहत के कारण बेल पर हैं, उन्हें चारा घोटाले में दोषी ठहराया जा चुका है। मीसा भारती पर खुद लैंड स्कैम में इल्जाम है, उन पर भी केस चल रहा है। उनके घर पर ED और CBI की छापेमारी हो चुकी है। ऐसे में चुनाव के दौरान दिए गए बड़बोले बयान उन्हें खुद भी भारी पड़ सकते हैं। देखिए, मीसा भारती हो या लालू यादव हो या उनका परिवार हो, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, मीसा भारती जी आप मोदी जी को तो क्या कहेंगी, आप पहले अपने भ्रष्टाचार के परिवार के इसी से निपट लीजिए। मोदी जी को सर्टिफिकेट देना है तो देश की जनता दे रही है, दुनिया का जनमानस दे रहा है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का सर्टिफिकेट कोई दे रहा है तो दुनिया के लोग दे रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने भ्रष्टाचार से ही निपटना चाहिए। मोदी जी को जनता का आशीर्वाद। बयान पर हंगामा मचने के बाद मीसा भारती PM और BJP नेताओं को जेल भेजने वाले अपने बयान से पलट गई। उन्होंने मीडिया पर ही बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा डाला। मीसा ने कहा मीडिया एजेंडा सेट कर रही है। बयान से पलटते हुए मीसा भारती अब कह रही हैं कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बयान दिया था और कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। ये तो मीसा भारती की सफाई है,
उन्होंने बिहार के दानापुर में क्या कहा था, ये हमने आपको शुरुआत में सुनवाया था, एक बार फिर सुन लीजिए। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती के बयान से बिहार बीजेपी के नेता बेहद गुस्से में है। बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा तो मीसा भारती को जेल भेजने की तारीख भी बताने लगे हैं। खैर, मीसा भारती को जल्दी समझ में आ गया है कि बिना तथ्यों के बयानबाजी भारी पड़ सकती है। सभी को पता है कि बिना किसी घपले घोटाले के जेल नहीं होती है। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सीधा आरोप नहीं है। रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसे विपक्ष के नेता घोटाला बता रहे हैं, वो घोटाला है या नहीं ये कोई नेता नहीं तय कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा सबके सामने आ चुका है, जिसकी लाभार्थी बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां भी हैं। दूसरी तरफ तथ्यों की बात करें तो मीसा भारती के पिता जेल यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है, एक खेमा NDA का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। आपको बता दें कि मीसा भारती किसी भी तरह लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बेचैन है। वो लंबे समय से राजनीति में है, लेकिन उन्हें एक भी बार लोकसभा चुनाव में जीत नसीब नहीं हुई है। लालू यादव और राबड़ी देवी की बड़ी बेटी मीसा भारती ने 2014 में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें उनके परिवार के पूर्व करीबी RJD के ही बागी और BJP का दामन थामने वाले उनके मुंहबोले चाचा रामकृपाल यादव ने हरा दिया। 2019 में भी मीसा भारती पाटलिपुत्र नहीं जीत सकी। 2019 के चुनाव में उनकी हार का अंतर बढ़ गया, उन्हें 38,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त मिली। मीसा भारती की कुल जमा सियासी उपलब्धि ये है कि वो अपने परिवार की पार्टी यानी RJD से एक बार राज्यसभा जा चुकी हैं। मीसा भारती का जन्म 1976 में उस समय हुआ था जब लालू यादव इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी के दौरान जेल में थे। उन पर मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था। बेटी का जन्म हुआ तो लालू ने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया। वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि कांग्रेस की लगाई इमरजेंसी के दौरान पैदा हुई मीसा भारती अब उसी कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में है, और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलकर उन्होंने एक नई सियासी मुसीबत मोल ले ली है। बिहार की राजनीति का हर अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। और हमारा ये शो आपको कैसा लगता है, इस पर कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।